हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक मेथड के ऊपर कि स्टैटिक मेथड क्या होता है, जावा के प्रोग्राम में आप स्टैटिक मेथड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपको स्टैटिक मेथड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक मेथड को समझने के लिए मुझे एक अदर क्लास बनानी पड़ेगी जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए मैं क्लास बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर टेस्ट नेम से क्लास बना ली है, आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल मेथड बना देता हूँ क्यू। आप इस मेथड का नेम भी कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाना चाहता हूँ तो मैंने क्यूब मेथड का नेम रखा है क्योंकि मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ। अभी इसे भी मैं पैरामीटराइज बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें आर्ग्यूमेंट ले लिया x। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ x इंटू x। यही फॉर्मूला होता है क्यूब का, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, बहुत आसान है। आपने टेस्ट नेम से एक क्लास बनाया, उसके इनसाइड क्यूब नेम का एक मेथड आपने बना दिया है, लेकिन ये नॉर्मल मेथड है। अभी इसे अगर आपको कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाकर फिर आपको क्यूब को कॉल करना पड़ेगा, तब आपको इसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे रन टाइम पर इसे कॉल नहीं करना है, मुझे तो कंपाइल टाइम पर ही इसे मेमोरी एलोकेट करना है और इसका आउटपुट मुझे लेना है रन टाइम पर, तो बिना ऑब्जेक्ट के इस मेथड को आप कैसे कॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक बनाने के लिए आपको यहाँ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो जब किसी मेथड के आगे आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो मेथड स्टैटिक मेथड कहलाती है और उसे कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी मिल जाता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे कॉल करने के लिए सीधे ही आप क्लास नेम से इसे कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेस्ट नेम की क्लास से क्यूब नेम की मेथड को कॉल करूँगा, जिसका मुझे क्यूब निकालना है वो वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूँगा। और इसके बाद जो भी आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ, जैसे क्यूब कॉल होगा यानी कि 2x में जाएगा और फिर इस फॉर्मूले के बिहाफ पर इसका सॉल्यूशन होगा यानी कि 8 इसका आउटपुट होगा जो यहाँ से रिटर्न होगा और रिटर्न होके वो यहाँ आएगा। इसे हम एक अदर वेरिएबल में ले लेंगे। मैं इसे रिजल्ट नेम के वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ और फिर हम इसे प्रिंट करवा देंगे इस तरीके से। बहुत आसान है। यहाँ मैं रिजल्ट नेम की वेरिएबल को लिख देता हूँ और अब इसे रन करके चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप, आपको आउटपुट मिल चुका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने यहाँ पर आपको स्टैटिक मेथड को समझाया है कि जब आप किसी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लिख देते हैं तो वो एक स्टैटिक मेथड बन जाता है। और इसके लिए सीधी सी बात है, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट के भी आप इसे क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं, इसे मेमोरी कंपाइल टाइम पर मिलेगा, ये बात आपको नोटिस करना है। अब एक रूल और कहता है स्टैटिक मेथड के लिए कि स्टैटिक मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं होती। अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं